कल से नामांकन शुरू होने हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ चुनाव को लेकर की गई है, कितना फोर्स लगाया गया है? देखिए, विधानसभा उपचुनाव हमारे टूंडला विधानसभा का होना है, तो उसका नामांकन की प्रक्रिया कल तहसील टूंडला में बनाया गया है। वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बैरिकेडिंग की और सीसीटीवी कैमरा सारा व्यवस्थाएं पूरी कर ली जा चुकी है और कल से नामांकन स्टार्ट होना है। 11 से 3 बजे के बीच में नामांकन स्टार्ट होगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग करके उसमें जो गाइडलाइंस है आयोग की, उनके बारे में उनको अवगत करा दिया है। और यहाँ पर मंडी परिसर में मतदान की समाप्ति के बाद पोलिंग पार्टी का जो रिसेप्शन है, ईवीएम का स्ट्रांग रूम और काउंटिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो दोनों चीज़ों को देख लिया गया है, व्यवस्थाओं के बारे में जो जो कार्रवाई आगे होनी है उसका निर्देश दे दिया है। कोरोना को लेकर क्या कुछ खास गाइडलाइन की गई है चुनाव के लिए? देखिए, चुनाव आयोग ने बहुत सारी गाइडलाइंस कोरोना को लेकर दी है और इन सभी के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज़ को और हमारे जितने भी मशीनरी लगी है सबको बता दिया है कि उसका किस किस तरह से अनुपालन कराना है। पोलिंग बूथ पर भी व्यवस्थाएं रहेंगी, जिसमें सैनिटाइज़र की व्यवस्था रहेगी, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था रहेगी और जो भी लोग आएंगे वोट करने वो सभी मास्क लगा के आएंगे। अगर कुछ परसेंट लोग नहीं भी आते हैं तो उनको हम मास्क प्रोवाइड कराएंगे। हमारा जितना भी पोलिंग स्टाफ है उनको भी मास्क, सैनिटाइज़र, फेस शील्ड और इस तरह की सारी चीज़ें उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से उनको दी जाएगी। और इसके अलावा जितना भी है मतदान करने वाले सभी लोग, उनको ग्लव्स की भी व्यवस्था रहेगी। तो ये और भी इसके अलावा सारी गाइडलाइन है, ट्रेनिंग के टाइम पे किस किस तरह से कोविड को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ें करना है। तो ये सारा आयोग के गाइडलाइन है। कल VC के माध्यम से भी हम लोगों को निर्देश मिले हैं, तो उन सबका अनुपालन कराने के लिए। कितने बूथ बढ़ाए गए? देखिए, टोटल बूथ 558 है और 1000 वोटर्स की लिमिट है हर एक बूथ पर। तो उसके दृष्टिगत रखते हुए कुछ नए बूथ बने हैं और वहाँ वो उसी बिल्डिंग में है और ये सारा चीज़ें आयोग को अवगत करा दिया गया है और उसी हिसाब से हम लोगों को इलेक्शन कराना है।